हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का सिलेबस कराया जा रहा है। तो बेटा, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटा, बिना किसी हम देरी के करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। आपको बता दें, जो चैप्टर्स है आपका वो है 27। देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 एजी केमिस्ट्री, चैप्टर आपका 27 है, पार्ट 2 है। चैप्टर जो 27 है उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बेटा, पार्ट 1 की वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सबसे पहले पार्ट 1 देखिए और इसके बाद पार्ट 2 देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। जो बेटा हमारा टॉपिक्स है आज का वो है सोडियम कार्बोनेट। देखिए, हेडिंग आप देख रहे हो सोडियम कार्बोनेट, और जो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है वो फार्मूला बेटा ये है। देखिए, Na2CO3 × 10H2O, ये है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। सोडियम कार्बोनेट को बेटा धावन सोडा भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली जो हेडिंग्स हमारी है वो है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण। यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण का मतलब है सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस विधि से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है, तो वो आप समझिए। देखो बेटा, इसके निर्माण हेतु सोल्वे विधि कौन सी, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है इसके निर्माण करने के लिए, इसको बनाने के लिए हम सोल्वे विधि प्रयोग में लाते हैं। सोल्वे विधि प्रयोग में लाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम अमोनिया, क्या चीज, इसके अंतर्गत हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में, किसका विलयन होगा बेटा, सोडियम क्लोराइड का विलयन होगा। उस विलयन में क्या करेंगे हम, प्रभावित करने पर, यानी प्रभावित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जिसे गर्म करने पर कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यह प्रोसेस है आपका सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करने का। तो आपने देखा कि जब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे तो हम किस मेथड से करेंगे, वो मेथड है हमारा सोल्वे विधि। इस विधि को हम उपयोग में लाएंगे और उस विधि में उपयोग में लाने के बाद हम पहला लेंगे अमोनिया यानी NH3 को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ले लेंगे। इसके बाद सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का एक विलयन होगा, उस विलयन में हम क्या कर देंगे, प्रभावित कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, जिसे हम जब गर्म करेंगे उसे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझिए, चलिए करते हैं इसकी रिएक्शन को सॉल्व। देखिए, आपने लिखा अमोनिया, तो भाई साहब अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3 प्लस, क्या लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो है CO2 प्लस, आप एक और ले लो जल, क्योंकि जल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम क्लोराइड विलयन में प्रभावित करेगा, तो आपको जल तो लेना पड़ेगा। अब आप इससे आप बना दीजिए क्या बनेगा, समझिए। देखो NH3 है आपका, सीधे सीधे आप बना सकते हो NH4, इसके बाद HCO3। आपको देखिए फाइनल में क्या बनाना है, फाइनल में आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को जब सोडियम क्लोराइड विलयन में प्रभावित करोगे तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, जिसे गर्म करने पर क्या मिलेगा, आपको कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो एक रिएक्शन में आपकी बात नहीं बनी, आगे इसका प्रोसेस चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी NaCl प्लस, अब आपका NH4HCO3, इसे इसके साथ NaCl के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, NH4HCO3। क्लियर। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा आपका, सीधे सीधे आप लिखोगे, देखिए Na, यहां से आप Na ले लो और ये फिर लिखा है HCO3, तो आप Na के बाद HCO3 ले लो, HCO3 Na HCO3 प्लस में, देखो आप क्या बचा,
प्लेस में बचा यहाँ पे NH4 और Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। तो भाई साहब यहाँ पे लिखो NH4 और Cl। अब आप क्या करोगे, देखो इसे आप उठा लो, इसे आप उठाओगे NaHCO3 के लिए, तो आप क्या करोगे NaHCO3 NaHCO3 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अभी कोई समस्या नहीं है, दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, तिरछा है। देखिए क्या बचा आपका NaHCO3। अब इसको आप क्या करोगे, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैं आपको बता दूं ये बना क्या, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब आप क्या करोगे, ये देखिए बना सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे कहा था कि जैसे ही आप अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में प्रभावित करोगे, प्रभावित करने पर क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट तो मिल गया, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे, आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, आपका कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, आगे समझिए, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप हिंदी में लिख लोगे, इसे आप गर्म करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो आपको बन जाएगा, मिल जाएगा क्या, कार्बोनेट, यानी आपको मिल जाएगा देखिए Na2CO3। इसके बाद क्या मिल सकता है, H2O मिल जाएगा, प्लस H2O और प्लस और क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, यानी CO2 गैस भी मिल जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो देखिए आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे हो आप सोडियम कितना है, सिंगल है, और यहाँ पे सोडियम दो है, तो पहला ही देखिए सोडियम गलत हो गया, यहाँ पे दो है और यहाँ पे वन है, तो सबसे पहले आप इधर कर दीजिए दो, तो आप देखोगे सोडियम कितने हो गए दो, इधर भी सोडियम दो, कार्बन देखिए कार्बन एक और कार्बन एक कितने हो गए दो, अब यहाँ देखिए कार्बन कितने हो गए आपके ये दो। इसके बाद आप हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है टू, तो इधर हाइड्रोजन कितना है आपका, इधर भी देख लीजिए पूरे में हाइड्रोजन कितना है टू। इस प्रकार ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के कितने हैं तीन मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन इधर देख नहीं, तीन दूनी कितना हो गया छः, ये तीन दूनी कितना हो गया छः, तीन दूनी छः ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए तीन ये है, एक ये चार, चार दो छः, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आपको देखो फिर से आप देखिए आपका क्या बना, क्या से क्या आपने बना लिया, समझिए देखिए आपने क्या काम करा, आपने सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो निर्माण था किस प्रकार से बनाया, आपने इसके निर्माण में एक सॉल्वे विधि का प्रयोग करा, उसके अंतर्गत आपने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, देखिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, इसके बाद आपका बना सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। जब आपका सोडियम क्लोराइड देखिए NaCl ये बना, NaCl विलयन में प्रभावित जब आपने करा तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको प्राप्त हुआ, ये देखिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप इसके नीचे लिखो लो, लिख लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे देखिए गर्म किया, तो गर्म करने पर आपको कार्बोनेट प्राप्त हो गया, क्लियर। अब बेटे चलते हैं हम आगे, सोडियम सोडियम जो कार्बोनेट है उसकी क्या पढ़ेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी। जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण पढ़ेंगे बेटा, सोडियम कार्बोनेट के। तो देखिए हेडिंग हमारी है वो है भौतिक गुण, तो आप भौतिक गुण को समझिए। देखिए भौतिक गुण में कह रहा है यह एक सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, कौन सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट कैसा पदार्थ है बेटा, सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरी बात है यह जल में घुलनशील होता है, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बेटे जल में घुलनशील होता है। तो देखिए भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सोडियम कार्बोनेट के दो पॉइंट सीखे, दो पॉइंट कौन कौन से थे, पहला पॉइंट था कि यह सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, कौन सोडियम कार्बोनेट, दूसरा यह जल में घुलनशील होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा यह जल में घुलनशील होता है।
इस प्रकार से हमने देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली इसकी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के हमें जो हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल के साथ क्रिया। किसकी हम जल के साथ क्रिया कराएंगे बेटा? हम कराएंगे सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ क्रिया। जब हम सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा वो भी समझ लीजिए। देखिए यह जल में अपघटित होकर, कौन जल में अपघटित होकर? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जल में अपघटित होकर क्षारीय घोल क्या बनाता है? वो क्षारीय घोल बनाता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोडियम क्लोराइड है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जल के साथ जब क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया कराने पर वह अपघटित होकर क्या करेगा? क्षारीय घोल में क्षारीय घोल बनाएगा और नीले लिटमस को क्या कर देगा? वो लाल कर देगा। तो इसकी रिएक्शन को समझते हैं। देखिए रिएक्शन आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे Na2CO3 प्लस, अब वो कह रहा है जल में अपघटित हो जाते हैं। किस में अपघटित हो जाते हैं बेटा? जल में अपघटित हो जाते हैं। तो आप जल में अपघटित हो जाते हैं तो आप जल के साथ लोगे इसे, H2O ले लीजिए। इसके बाद वो कह रहा है अपघटित होकर क्षारीय घोल बनाता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है? वो लाल कर देता है। इससे क्या बन जाएगा अब आप समझिए। देखिए Na है यहाँ पे OH है, एक तो समझ में आ रहा है NaOH आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप बना लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस, अब क्या बन जाएगा यहाँ पे H2 भी समझ में आ रहा है और CO3 भी समझ में आ रहा है। तो प्लस क्या लोगो, यहाँ से H2 ले लो और ये आपका CO3 बचा, तो आप CO3 ले लो, सही है। तो देखिए अब आप देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखिए Na2 ये है, सोडियम कितना है? 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो अभी तो बैलेंस है नहीं। तो ये सोडियम 2 है तो यहाँ पे आप लगा लो 2। अब आप चेक करो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। देखिए सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी सोडियम 2 है। अब आप क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, देखिए ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 1, 3 और 1 कितने हुआ? 4 ऑक्सीजन। अब 4 ऑक्सीजन देखने पे आप इधर देखिए कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन, 2NaOH यानी एक ऑक्सीजन और 3 और 1 4 ऑक्सीजन, तो इधर भी है ऑक्सीजन भी पूरे हैं। कार्बन देखिए, कार्बन सिंगल है इधर, तो इधर भी कार्बन सिंगल है। हाइड्रोजन समझिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। लेकिन NaOH जो आपका है अभी देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, एक ये है, कितना हुआ? 4। और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन है और ये आपका 3 है, 3 × 2 = 5 ऑक्सीजन अभी आपके पूरे नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओ 2, कितना लगाओगे? 2। तो अब आप देखिए, देखो 3 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये होगा, 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 3 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 5 ऑक्सीजन हो गए, अब आपके ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 × 2 = 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये, 2 × 2 = 4। अब आपकी रिएक्शन बेटा ये बैलेंस है। अब हम दूसरी रिएक्शन करेंगे, वो करेंगे अम्लों के साथ। किसके साथ करेंगे? अम्लों के साथ। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अम्लों के साथ कराते हैं तो क्या होता है आगे समझिए। देखिए जब सोडियम कार्बोनेट को आप जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। जब CO2 बनेगा तो जिसके CO2 के बनेगा तो उसके निकलने से क्या होगा? झाग बनते हैं। तो इतना सा आपको लिखना है, इसमें रिएक्शंस बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोडियम कार्बोनेट को क्या कह रहा है वो? अम्लों के साथ गर्म करने पर किसी बात की कोई भी समस्या नहीं है, अम्लों के साथ क्रिया करने पर। तो अम्लों के साथ आप रिएक्शन करा दो, रिएक्शन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा। तो आप समझिए, देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी क्या लिखा? Na2CO3। आप Na2CO3 लिखिए, Na2CO3 प्लस अम्ल के साथ, तो हम अम्ल ले रहे हैं HCl। अम्ल क्या ले रहे हैं बेटा? HCl।
इसके साथ हम जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, CO2 बनाना है। तो आप ले लीजिए, देखो CO3 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे CO3 की जगह क्या ले लो, CO2 ले लो। चलिए CO2 आप बाद में भी ले सकते हैं, यहाँ पे और भी बढ़ रहा है, देखिए Na यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है, तो सोडियम क्लोराइड भी बढ़ रहा है इसमें, तो Na Cl बना लो, NaCl भी बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए H2O भी बन जाएगा, यानी आपका जल भी बन जाएगा, तो आप जल भी बना लो प्लस। इसके बाद अब आपका CO3 था तो यहाँ पे CO2 भी बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। तो बेटा आप बैलेंस करिए इस रिएक्शन को, देखिए भाई सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे भी 2 लगा लो, ठीक है। अब आपने देखा कि सोडियम कितना है, 2 है, सोडियम 2 है, और यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, सिंगल है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 लगा लो, तो क्लोरीन तो आपके 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो गया, ये क्लोरीन है Cl। इसके बाद अब आपने सोडियम भी चेक कर लिया और क्लोरीन भी चेक कर लिया, अब आप चेक करो कार्बन, कार्बन कितना है, देखो कार्बन यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी कार्बन सिंगल है, कार्बन भी आपने चेक कर लिया। अब आप ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो देखिए एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आपके 3 पूरे हैं। इसके बाद आप क्या चेक करोगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से आपके हाइड्रोजन भी पूरे हैं, यानी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो आपने देखा कि भाई सोडियम कार्बोनेट को आपने क्या करा, अम्लों के साथ क्रिया कराई, अम्ल क्या है आपका, HCl है, तो सोडियम कार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन कराई तो आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, जिसके निकलने में क्या बनता है, झाग बनता है, क्लियर। तो ये आपके फिजिकल वो केमिकल प्रॉपर्टी में आपने 2 हाइड्रोजन सेक ली, किसके साथ, सीखी जल के साथ क्रिया कर ली और अम्लों के साथ क्रिया कर ली। अब बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी CO2 के साथ क्रिया। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर, चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए जो हमारी थर्ड हेडिंग है रासायनिक गुण में वो है CO2 के साथ क्रिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा समझिए। देखिए CO2 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या आपको मिलेगा समझिए, आप इसके घोल में CO2 प्रभावित करने पर, यानी कार्बन किसका घोल होगा, वो सोडियम कार्बोनेट का घोल होगा। जब आप सोडियम कार्बोनेट के घोल में क्या करोगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रभावित करोगे तो आपको मिलेगा क्या, जब आप CO2 को प्रभावित करोगे तो बेटा आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रकार से प्राप्त होगा आप इसे भी समझ लीजिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3। इसमें आप क्या करोगे बेटा, CO2 को प्रभावित करोगे CO2 प्लस H2O, तो आपको मिल क्या जाएगा, प्राप्त क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होगा सीधे सीधे Na, लिखिए आप यहां पे Na, Na और यहां से लीजिए H, NaH और क्या हो जाएगा आपका CO3, क्या हो जाएगा CO3। अब आप देखोगे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बेटा हम रिएक्शन को बैलेंस तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनना था वो बन गया, जो उत्पाद बनना था वो बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनके तैयार हो गया। अब हमें रह गई रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। आपने देखा कि सोडियम 2 है तो यहाँ पे सोडियम सिंगल है, हाइड्रोजन देखा 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ पे देखा देखिए कार्बन 1, 2 कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। आपने ऑक्सीजन देखा 3 ऑक्सीजन, 3, 2, 5 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप 2 लगा लो, जब आप 2 लगा लोगे तो देखिए सोडियम आपके 2 हो गए और यहाँ पे भी सोडियम बेटा 2 हो गए। इसके बाद कार्बन देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, तो आपने कार्बन जब आप चेक करोगे तो ये 2 कार्बन 1 कार्बन भी आपके पूरे हो गए। इसके बाद आप क्या करोगे, ऑक्सीजन, तो देखो 3 ऑक्सीजन, 3, 2, 5 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन,
तो यहाँ पे आप देखोगे दो तीनिया कितने, छह ऑक्सीजन। इसके बाद आपने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन कितना है, टू है, तो देखिए दो हाइड्रोजन भी आपके इधर है, तो ये भी आपका पूरा हो गया कंप्लीट। तो आपका बना क्या, ये बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिख सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए जब हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ लिया, सोडियम कार्बोनेट की फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, अब हम इसके पढ़ेंगे बेटा उपयोग, यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है। तो आप समझिए सोडियम जो कार्बोनेट है उसका प्रयोग हम पहला पॉइंट समझेंगे प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। प्रयोगशाला में हम इसे किसके रूप में यूज करेंगे, प्रतिकारक के रूप में यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका हम इस्तेमाल कब करेंगे, कठोर जल को, किसे कैसे, कठोर जल को मृद करने पर। जब कठोर जल होगा उसे मृद करने पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा साबुन तथा कांच बनाने में। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम कब करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम कास्टिक सोडा साबुन तथा कांच बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कपड़ा धोने के सोडे के रूप में, तो बेटा हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने के सोडे के रूप में भी कर सकते हैं। तो आपका देखिए सोडियम जो कार्बोनेट था ये भी कंप्लीट हुआ। अब बेटे हम चलते हैं आगे की ओर। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूँगा, देखिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। देखिए मेरे चैनल पर आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर की जियोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट आपको मिल जाएगी, कंप्लीट आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स भी मिल जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और वीडियो लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पर संपर्क करिए और कुछ नाम मात्र का जो पेमेंट है, नाम मात्र की जो फीस रखी गई है, उस फीस को आप पे करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और अब से लेके एग्जाम तक बेटा आपके पास काफ़ी भरपूर समय है, मैं आपका शुरू से सब कुछ करा दूंगा, इस बात की आप टेंशन ना लें, सारा कोर्स आपका करा दूंगा केमिस्ट्री प्लस जियोलॉजी का। तो अभी भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्लस वीडियो। तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अच्छे से समझेंगे, जैसा कि हमने पिछला जो हेडिंग्स थी वो समझा सोडियम कार्बोनेट, तो और ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अच्छे से समझेंगे, आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और प्लीज वीडियो को हर स्टूडेंट लाइक अवश्य कर दिया करें। इससे ये पता चल जाता है कि बेटा आपको वीडियो कितनी समझ में आ रही है, आपको जो टॉपिक्स है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जो बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है NaHCO3, ये होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं बेटा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट कहीं ना कहीं एक ही बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं बेटा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब आगे समझिए, देखो इसके अब आगे गुण, किसके गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के जो हम गुण पढ़ेंगे, गुण फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो एक दो पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी के होंगे, बकाया केमिकल्स प्रॉपर्टी के भी होंगे, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। तो आगे समझिए आप, देखो गुण में जो पहला पॉइंट है यह सफ़ेद रवेदार ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। क्या ठोस होता है, आप समझिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद होता है और रवेदार ठोस होता है, इस बात को आप समझिए। सेकंड पॉइंट है जो वो है इसका जलीय घोल, किसका जलीय घोल बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय घोल फिनॉल्फथलीन के साथ उदासीन परंतु मेथिल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है।
अब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है वो जलीय जो घोल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय घोल होता है वो फिनॉल फिथिलीन के साथ क्या करता है, उदासीन, परंतु मेथिल ऑरेंज के साथ वो पीला कलर देता है। अब देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यह गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, यह गर्म करने पर क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। कौन, यानी जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप पढ़ रहे हो, तो बेटा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म करोगे तो गर्म करने पे वो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा और CO2 गैस निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो बेटा हम इसकी रिएक्शन आराम से बना लेंगे। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3। आप जब रिएक्शन बनाओगे तो सीधे सीधे लिख लो NaH और CO3। इसको आप क्या करोगे, आपने बताया कि यह गर्म करने पर, सीधे सीधे आप इसे क्या करो, गर्म करो भाई, गर्म करने पर किसमें, सोडियम कार्बोनेट में यह चेंज हो जाएगा और CO2 गैस निकाल देगा। CO2 गैस निकलती है, देखिए CO2 निकलती है, आप गैस लिख दो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, गैस लिख सकते हो, CO2 गैस निकलती है। अब आपने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को लिख लिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने क्या करा, गर्म करा, गर्म करने पे आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब आप यहां से ले सकते हो Na और यहां से ले सकते हो CO3, तो आप क्या कर सकते हो भाई, Na2 और CO3 प्लस, और क्या बन सकता है, देखिए H है और O है, यानी H2O यानी जल भी आपका बन सकता है, इसके बाद O है और C है यानी CO2 भी बन सकता है, तो आपका जल भी बन जाएगा H2O प्लस CO2 गैस भी आपकी बन जाएगी। कैसे, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करोगे, देखो सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सोडियम रह गया 1, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 2 लगा लो, देखो सोडियम कितना हो गया 2 और उधर भी देखिए सोडियम कितने हो गए आपके 2। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना हुआ 2। कार्बन को आप समझ लो, कार्बन आपका कितना है, देखिए कार्बन आपका है 2 कार्बन, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन और 1 2 कार्बन। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन आपका कितना है, देखिए ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना है 6, 3 दूनी कितना हुआ 6 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन को चेक करिए, देखिए 3 ऑक्सीजन, 3 और 1 4, 4 2 6, इसका मतलब अब आपकी बेटा रिएक्शन बैलेंस हो गई। आपने क्या काम करा, इसमें आपने सोडियम कार्बोनेट को लिया और सोडियम कार्बोनेट को क्या करा, आपने गर्म करा, जब आपने सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करा तो आपको मिला, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट लिया ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आपने गर्म करा तो आपको गर्म करने पे मिला क्या, सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस भी प्राप्त हुई, क्लियर। अब हम बेटा इसकी जो रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अम्लों के साथ, जब हम अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या क्या देगा, CO2 गैस देगा। तो चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको पता है सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, आप लिख लो यहाँ पे NaHCO3। अब इसकी रिएक्शन आप करा दो अम्ल से, तो अम्ल क्या है, हम ले ले रहे हैं बेटा HCl, क्या ले रहे हैं HCl, अब वो कह रहा है CO2 निकलती है, क्या निकलती है, CO2 गैस, तो देखो यहाँ पे बन क्या जाएगा, देखो Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड तो आपका बन रहा है, तो आप बनाओ बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड तो आपका बन के तैयार हो गया, और क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे O3 है, तो आप H2O यानी जल भी बना सकते हो, तो आराम से आपका बेटा यहाँ पे जल भी बन जाएगा, प्लस CO3 है तो आप CO2 भी बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका बन जाएगा। किस प्रकार से, अब आप समझो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, ये गैस है तो ऊपर उड़ जाएगी, देखो सोडियम कितना है,
यहाँ पे तो सोडियम सही है, एन ए यहाँ पे भी सही है। इसके बाद हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन और एक दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका टू हो रहा है। ऑक्सीजन कितना है, तीन है ऑक्सीजन, यहाँ पे दो और एक तीन है, ऑक्सीजन भी तीन है, ऑक्सीजन भी पूरा है। क्लोरीन, तो क्लोरीन भी पूरा है। तो आप समझिए इसमें कोई भी मिस्टेक इस समय नहीं है, रिएक्शन आपकी बिल्कुल बैलेंस है, क्लियर। तो देखिए हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में समझा, सोडियम कार्बोनेट को आपने देखा कि इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसके गुण हमने पढ़े, यह सफ़ेद रबेदार ठोस होता है, इसका जलीय विलयन फिनोल्फथालीन के साथ उदासीन तथा मेथिल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है। सोडियम जो क्लोराइड है उसे जब आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने गर्म करा, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे जब हमने गर्म करा तो गर्म करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और CO2 गैस बाहर निकल गई। इसके बाद जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अम्लों के साथ कराई, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन जब हमने अम्लों के साथ कराई, अम्ल क्या लिया हमने, HCl, तो मिले, तो देखिए क्या निकला, CO2 गैस बाहर निकल गई, सोडियम क्लोराइड बन गया और आपका जल। तो इस प्रकार से हमने देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में समझा। अब हम आगे समझेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ पे करेंगे, किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे जो अगली हमारी हेडिंग्स है वो है उपयोग। उपयोग को इंग्लिश में बोलते हैं यूजेस। किसके यूजेस पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को का कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, उस चीज को हम समझेंगे। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आप समझिए, देखो फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है कि यह डबल रोटी बनाने में बेकिंग चूड़ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का आप यूज कहाँ पे करोगे, डबल रोटी बनाने में, और बेकिंग चूड़ के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कि पेट में अम्लता बढ़ जाने पर, अम्लता का मतलब होता है एसिडिटी, जैसे पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो इसे आप दवाई के रूप में दे सकते हैं। किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट के अंदर अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाने पर दवाई के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप समझिए थर्ड पॉइंट, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ पे करोगे। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है, यह एक, यह फ्रूट साल्ट, क्या है यह फ्रूट साल्ट और सीडलिट्स आदि दवाइयों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो आपने समझा यह फ्रूट साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो फ्रूट साल्ट के रूप में और सीडलिट्स आदि दवाइयों के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो आपने तीन पॉइंट समझ लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी आपने अच्छे से समझ लिया। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट टू है, ये चैप्टर है उसका पार्ट टू है। चैप्टर का पार्ट वन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट टू है, पार्ट टू के बाद इस चैप्टर का कोई भी पार्ट अपलोड नहीं होगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। चलिए चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए, जो न्यू हेडिंग है हमारी वो है पोटेशियम सल्फेट। देखिए क्या है, पोटेशियम सल्फेट, जो बेटा पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4। क्या होता है, K2SO4। तो बेटा सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट्स को बना सकते हैं। तो आप समझिए पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, गुण पढ़ेंगे। गुण में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को पढ़ा जाता है। तो आप समझिए गुण को समझिए, फर्स्ट पॉइंट, यह सफ़ेद चमकदार निर्जल रबेदार पदार्थ होता है, यानी जो पोटेशियम सल्फेट है ये कैसा होता है। तो पोटेशियम सल्फेट भाई सफ़ेद, देखने में कैसा, सफ़ेद चमकदार निर्जल रबेदार पदार्थ होता है। अब आप सेकंड पॉइंट को समझिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है, यह अन्य पोटेशियम लवणों की, यानी जो पोटेशियम सल्फेट है वो पोटेशियम सल्फेट
अन्य पोटेशियम लवणों की अपेक्षा जल में कम घुलनशील होता है। इसके कहने का मतलब यह है जो ये पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, ये अन्य पोटेशियम लवणों की अपेक्षा जल में कम घुलनशील है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझिए आप। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब पोटेशियम सल्फेट को मृदा में मिलाया जाता है, यदि ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4 को जब आप मिट्टी के अंदर मिलाओगे, मिट्टी में मिलाओगे, मृदा में मिलाओगे, तो क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम आयन तथा सल्फेट आयन में अपघटित हो जाता है। यानी K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट को जब आप मिट्टी में मिलाओगे तो मिट्टी में मिलाने पर क्या होगा, पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो आगे समझिए, पोटेशियम आयन जो होते हैं वो पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम जो होता है वो पौधों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो आप इसकी रिएक्शन को कैसे समझोगे, समझिए। देखिए, पोटेशियम सल्फेट, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4। जब आप देखा, आपने देखा K2SO4 यानी जो पोटेशियम सल्फेट है वो जब मिट्टी में मिलता है, मृदा के साथ मिलाया जाता है, तो पोटेशियम आयन किसके साथ, पोटेशियम आयन यानी पोटेशियम को अलग करो आप, 2K पोटेशियम आयन प्लस SO4 सल्फेट आयन, क्या है, SO4 यानी आपके जो सल्फेट आयन है ये आपके अलग निकल गए, सल्फेट आयन में क्या हो गया, अपघटित हो गया, पोटेशियम प्लस सल्फेट आयन में क्या हो गया, ये अपघटित हो गया, और अपघटित होने पे जो पोटेशियम आयन है, ये आपके पोटेशियम आयन है, ये क्या हो जाएंगे, पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा पोटेशियम जो सल्फेट है आपका, उसके उपयोग, पोटेशियम सल्फेट के क्या उपयोग हैं, तो समझिए। देखिए, पोटेशियम का आप कृषि में पोटास खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल किया जाता है। जो पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट को कृषि में पोटास खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपयोग, जो पोटेशियम सल्फेट का दूसरा उपयोग है, इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, देखिए, साधारण जो फिटकरी का फार्मूला होता है वो होता है बेटा K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ये फिटकरी का फार्मूला है, क्या है, K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O, इसे इस प्रकार से याद करोगे, ठीक है। तो साधारण फिटकरी बनाने में भी किसका योगदान है बेटा, पोटेशियम सल्फेट का। तो इस प्रकार से हमारी हेडिंग्स पोटेशियम सल्फेट भी कंप्लीट हुई। चलिए बेटे, चलते हैं हम आगे की ओर। अगली जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, न्यू हेडिंग है, वो है पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेटा, हम हमारी जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग्स है, अच्छा टॉपिक्स है पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो बेटा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। जो इस वीडियो के नोट्स हैं, तो नोट्स बेटा शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप संपर्क कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा, शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट को समझिए। पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है KNO3। क्या होता है, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अब आप समझिए आगे बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट को कलमी सोरा भी कहते हैं। हम पोटेशियम नाइट्रेट को कलमी सोरा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, कलमी सोरा और पोटेशियम नाइट्रेट कहीं ना कहीं एक ही बात है। तो बेटा, इसमें हम गुड़ पढ़ेंगे और गुड़ में दोनों पॉइंटों को मिक्स कर दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुड़ और रासायनिक गुड़ दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो गुड़ में देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बेटा, यह है सफ़ेद। जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद सुई के आकार के रबो वाला पदार्थ है और जल में घुलनशील है। बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट को जल में आप घोलोगे तो आराम से घुल जाएगा और दिखने पे कैसा होता है, सफ़ेद आपको दिखाई देगा, सुई के आकार के रबो वाला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, आप समझिए सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, यह है जलीय घोल में। कौन जलीय घोल में, बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को जलीय घोल में जब आप घोलोगे तो घोल में क्या होगा, पोटेशियम तथा नाइट्रेट आयनों में आयनीकृत हो जाएगा। यानी पोटेशियम और जो नाइट्रेट है अलग अलग, पोटेशियम और नाइट्रेट में अपघटित हो जाएगा यानी आयनीकृत हो जाएगा,
मृदा घोल से पौधे इन आयनों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जो पौधे हैं, पौधे मिट्टी से किसे, मिट्टी से इसको आयनों के रूप, आयनों को, इसके आयनों को, किसके आयनों को, पोटेशियम तथा नाइट्रेट के आयनों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी आप समझिए। आपने देखा पोटेशियम नाइट्रेट, भाई पोटेशियम जो नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। अब आपने देखा यहाँ पे, देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि पोटेशियम नाइट्रेट को जलीय घोलो, जल में घोलोगे तो घोलने पर पोटेशियम तथा नाइट्रेट, देखो पोटेशियम तथा नाइट्रेट, पोटेशियम, पोटेशियम तथा नाइट्रेट प्लस NO3 में आयंस में क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, यानी आपका केस पे प्लस चार्ज लगेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज लगेगा, ठीक है, के पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यानी पोटेशियम और आयन तथा नाइट्रेट आयनों में आयनीकृत हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि मृदा घोल से, मृदा के घोल से पौधे जो होते हैं वो आयनों को भोजन के रूप में, इसके आयनों को भोजन के रूप में क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे या ग्रहण कर लेंगे। अब आप इसका थर्ड पॉइंट समझिए, वो कह रहा है गर्म करने पर, भाई किसको गर्म कर रहे हो आप, भाई हम कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म, इस पोटेशियम जब नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो बेटा 336 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलकर पोटेशियम नाइट्राइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा, किसमें, पोटेशियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, वो अपघटित हो जाता है। तो आप समझिए, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, KNO3। जैसे ही आपने KNO3 लिख लिया तो आपको पता है किसमें ये 336 डिग्री पे जब पिघलेगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट में, आप एरो लगाइए। अब आपको क्या करना है, पोटेशियम नाइट्रेट तथा ऑक्सीजन क्या करना है, बाहर निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, KNO2 प्लस ऑक्सीजन आप निकाल दीजिए बाहर, यानी O2, ठीक है। अब आप देख लो रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं है, देखो के एक है तो एक है, एन कितना है, बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो दो चार, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, तीन, तो आपको बैलेंस करने के लिए आप दो यहाँ पे लगा लो और दो आप इधर भी लगा लो, तो बेटा ये आपकी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई। अब देखिए चौथा पॉइंट, बेटा चौथा पॉइंट वो क्या कह रहा है कि गंधक के अम्ल के साथ गर्म करने पर यह नाइट्रिक एसिड बनाता है, कौन नाइट्रिक एसिड बनाता है, बेटा जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट गंधक के अम्ल के साथ जब आप गर्म करोगे तो ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, किस प्रकार से नाइट्रिक एसिड बनाता है उसे भी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो बेटा हम करते हैं इसकी रिएक्शन को सॉल्व, देखो पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन क्या है, KNO3 प्लस, वो किसके साथ कह रहा है, गंधक, यानी हम सीधे सीधे कर ले रहे हैं H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 के साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नाइट्रिक एसिड आपका बन जाएगा। अब नाइट्रिक जो एसिड का फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखो तो एक तो आपका बन जाएगा ये K है, KHSO4 भी बन जाएगा, KHSO4 भी बन जाएगा प्लस इसमें HNO3 भी बन जाएगा, HNO3, क्लियर। तो देखिए आपने देखा भाई जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट को गंधक यानी सल्फर के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब आप गर्म करा तो आपको क्या मिला, नाइट्रिक एसिड, क्लियर। अब बेटे हम चलते हैं इसके, देखिए उपयोग को पढ़ेंगे, पोटेशियम के उपयोग कौन कौन से हैं, तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर, चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर और हम समझते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के उपयोग। तो बेटा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग आप कहाँ पे करोगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट के हम उपयोग को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटे फर्स्ट पॉइंट आप समझिए पोटेशियम नाइट्रेट का, देखो वो कह रहा है कि यह बारूद तथा आतिशबाजी का सामान बनाने के काम आता है, तो आपने समझ लिया जो पोटेशियम नाइट्रेट है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला बेटा क्या होता है, KNO3, ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। तो बेटा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ पे होता है, ये बारूद और आतिशबाजी का सामान बनाने के काम में आता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है यह कांच तथा औषधियाँ आदि बनाने के काम में आता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पे, कांच बनाने में,
और औषधियां यानी मेडिसिंस आदि बनाने में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, वो कह रहा है कलमी सोरा, चाहे आप पोटेशियम नाइट्रेट बोलो या आप बोलो कलमी सोरा, बात दोनों की एक ही है। तो बेटा कलमी सोरा कृषि में कृत्रिम खाद के रूप में, किसमें, एग्रीकल्चर में यानी कृषि में कृत्रिम खाद के रूप में पौधों को नाइट्रोजन, प्लांट्स यानी जो पौधे हैं उनको क्या, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम दो पोषक तत्व प्रदान करता है। तो बेटा पोटेशियम नाइट्रेट के हमने गुण और उपयोग भी पढ़ लिए। इस टॉपिक के साथ हमारा जो 27वां चैप्टर था सोडियम और पोटेशियम, बेटा सोडियम और पोटेशियम चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब जो न्यू वीडियो आएगी वो चैप्टर 28 की बनेगी। तो बेटा वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।